4 दिन के स्टे के बाद आज तारीख है 21, आज इंटरनेशनल योगा दिवस भी है, तो आज के दिन ही मुख्यमंत्री साहब वहाँ है, वो शायद 12-1 बजे वापस आ जाएंगे और गवर्नमेंट ने हमें पास दे दिया है। बस है जी मेरा और सुमन का, आज की तारीख 21 का ही, बस अब आधे पौन घंटे में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ये हमारी गाड़ी है और जितेंद्र इसमें ड्राइवर हमारे साथ जाएंगे और अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे तवा घाट की तरफ। सबसे पहले तवा घाट आएगा, शाम तक पहुँचेंगे गुंजी गांव तक। सुमन बैठ गई, अपनी जगह ले ली है फ्रंट में, बाकी 3 लोग और हैं क्योंकि हम लोग शेयर टैक्सी में जाएंगे। चलो जी, धारचूला से अब आगे आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा की शुरुआत करते हैं महादेव जी के नाम से। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। देखो ये नजारे हैं इस रास्ते के, कोशिश ये करो कि खुद की गाड़ी ना ला के यहाँ धारचूला से टैक्सी कर लो। अभी बस चले हुए 10 मिनट हुए हैं और यहाँ पे ये काम हो रहा है, देखो पूरी सड़क को ब्लॉक कर रखा है। अच्छा ये रास्ता दारमा वैली जा रहा है जी, ये सामने से चला जाएगा दारमा वैली और वो पंचाचूली, और ये सामने जा रहा है ये जाएगा आपके आदि कैलाश ओम पर्वत। यहाँ जाना है सबसे ज़्यादा टिपिकल स्टिप चढ़ाई यही थी, और बारिश का अगर टाइम होना तो स्लश ज़्यादा हो जाता है, और सच पूछो तो यहाँ पे मोबाइल को पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये जी बूदी गांव, और अब आपको बता दूं कि यहाँ अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ BRO वालों का शायद कुछ बड़ा ऑफिस भी है और इंडियन आर्मी भी है, SSB भी है, सारी है यहाँ पे। इतना शानदार खूबसूरत नज़ारा है, रोड कहीं कहीं तो बहुत सुंदर बनी हुई है, और कहीं कहीं क्या है कि अभी डबल रोड की कटिंग चल रही है, तो ये बिल्कुल पहाड़ है ना ऊपर से लेके नीचे तक वैसे बिल्कुल बैरन हो रहे हैं। हालांकि इस वेदर में सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रोड अच्छी बनी हुई है, लोग काफ़ी आ रहे जा रहे हैं। और ये जो पार्टन है ये देखो आप, वो वहाँ दूर रिवर का पानी नज़र आ रहा है, ऊपर देखो ऊपर बिल्कुल टॉप पे शानदार शानदार वाले बादल घेर रखे हैं पूरे पहाड़ को, और हल्की हल्की सी बर्फ़ भी नज़र आ रही है। एक बात और बता देता हूँ, ये वो नदी है काली नदी जो 2 देशों को बांट रही है, राइट एंड में जो पहाड़ देख रहे हैं वो नेपाल के हैं और लेफ्ट वाला ये अपना भारत है।
हवा बहुत तेज है, बहुत तेज हवा है। अभी आपको काली नदी का बहुत रौद्र रूप दिखाता हूँ मैं। इतना रौद्र रूप है काली नदी का, आवाज भी आपको बहुत शानदार तरीके से आ रही होगी। ये देखो यहाँ पे ये पार्ट, और शानदार बहुत खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। बहुत तेज हवा है दोस्तों यहाँ पे इस टाइम। बिल्कुल क्लिफ के नीचे खड़े हैं हम इस टाइम। देखो मुश्किल से 100-100 मीटर पे सारी मशीनें खड़ी है, कंटिन्यू काम लगे। जहाँ जहाँ बीच में इनको जगह मिल रही है ना बीआरओ वालों को, वहाँ रोड बिल्कुल क्लियर होती चल रही है। कुछ कुछ पार्ट है जो खराब है। अभी लगभग धारचूला से 40-50 किलोमीटर दूर हैं, और गांव आता है एक पांगला करके, वहां आप अपना लंच ब्रेकफास्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ऊपर सिर्फ मैगी मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला है। यहां पे छोटी मोटी ग्रोसरी शॉप भी है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पानी कुछ भी ले सकते हो। इस तरीके के ये यहाँ पर ढाबे हैं, यहाँ लंच के लिए रुके हैं। बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ चाउमीन है, मोमोज है, और छोटा मोटा खाना है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ अंकल जी मिल गए थे। आप आर्मी में थे? या ओ वेरी गुड। बच्चे आर्मी में हैं, तभी कभी इसको दिखाओगे ना? हाँ, यो किस में डालोगे तो वो यूट्यूब पे। ओ वेरी गुड। ये यहाँ भारत में है, ये सामने नेपाल है सारा। ये नेपाल है। हाँ अच्छा, ये है मालगांव। मालगांव, 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 ये वाला, वो वाला। हाँ, नेपाल का? नेपाल का। अच्छा अच्छा, ये है कोठाधार। कोठाधार, कोठाधार, कोठाधार। हाँ, ये नेपाल रास्ता बना रहा है। ये नेपाल रास्ता बना रहा है आदि कैलाश का। हाँ, ऊपर ओम पर्वत के लिए। ओम पर्वत नहीं तो ये तो तिब्बत तक पहुँचाएगा ये। अच्छा, वो चाइना के चक्कर में। हाँ, चाइना काम कर रहा है। ओके, ये बात है। देखो अंकल जी एक बात बता रहे हैं कि ये रास्ता तिब्बत तक लेके जाएगा नेपाल, क्योंकि ये सारा काम चाइना कर रहा है। ये अभी विश्व बैंक से पैसा लिया है। हाँ, ये सामने जो देख रहे हो ना, बिल्कुल जिगजैग रोड जो है, इसको हेयर पिन बैंड रोड बोलते हैं। और बिल्कुल देखो, बिल्कुल लश ग्रीन घाटी है, लेकिन रोड में घुमाव बहुत है। लगातार घूमते घूमते इस तरीके से आते आते यहाँ से आके करीब करीब मेरे हिसाब से 1.5-2 किलोमीटर तक ये रोड कंटिन्यू इसी तरीके की है। 3-3.5 घंटे की ड्राइव के बाद अब आपने जो हेयर पिन बैंड देखा था, उसके बाद आता है गाँव जगह का है छिया लेक। ये पूरा आर्मी का एरिया है, छोटा सा सामने मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पे आपके सारे परमिट चेक होंगे।
ये पूरा एरिया आर्मी के अंडर में है। इवन जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कल मुख्यमंत्री जी के लिए गया था ना, उनकी भी हर गाड़ी पूरी तरीके से चेक हो रही है। इवन उनसे भी आईडी मांगा जा रहा है, इतनी स्ट्रिक्टनेस है ये। क्यों? कि आगे चाइना बॉर्डर है। सुबह करीब करीब 10:30 बजे चले थे और अब बज रहे हैं 2:30। रोलर कोस्टर राइड करते करते और जो ओरिजिनल चंदन होता है ना प्रकृति का, वो खाते खाते फांकते फांकते यूँ समझ लो आप। और अब हम पहुंच गए जी गूंजी। पूरा गूंजी दिखा देता हूँ, बहुत टाइम के बाद बिल्कुल ये प्लेन आया है, बिल्कुल प्लेन है। यहाँ पे हेलीपैड भी बना हुआ है पीछे की तरफ, वो उधर है ना। और ये देखो सारा गूंजी है, यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे हैं। जिस होम स्टे में हम रुकने वाले हैं वो देखो सामने भी होम स्टे है, उसके ऊपर वो भी होम स्टे बन रहे हैं, इधर भी होम स्टे है। हम इस होम स्टे में रुकने वाले हैं, ओम आदि कैलाश होम स्टे गूंजी। यहाँ पे KMVN के भी गेस्ट हाउस बने हुए हैं, वो जो आगे देख रहे हो ना वो KMVN के हैं। कुछ पार्ट यहाँ है और कुछ पार्ट नीचे भी उस तरफ बना हुआ है। ऐसा दिखता है देखो जी अंदर से, इस होम स्टे का नज़ारा। टीवी भी चल रहा है। ये रूम है जी इनके जहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे। और ये सारे एक साथ लाइन में बाथरूम बने हुए हैं, बहुत सारी फैसिलिटी है, कोई कमी नहीं है। ऊपर भी रूम है।